सो विंटर का सीजन है, स्किन इतनी ड्राई हो चुकी है, स्कैल्प इतनी ड्राई हो चुकी है, स्कैल्प में इतना फ्लेकीनेस है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया है, बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो गए हैं, जिस वजह से एक्सट्रीम हेयर फॉल का भी सामना करना पड़ रहा है। सो रेमेडीज तो ट्राई करते रहते हैं, बट रोजाना तो रेमेडी ट्राई नहीं कर सकते, तो कौन सा शैम्पू हम ऐसा यूज करें जो हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो फिक्स हो सके। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा DIY शैम्पू, जो इस विंटर सीजन आपके बहुत काम आने वाला है। सो हेलो मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंदगी में रोशनी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे भी काफी कोल्ड हो चुका है, जिस वजह से वीडियोज बनाने में मुझे काफी दिक्कत आई, और गला ठीक होने के कारण वश मैं वीडियोज नहीं अपलोड कर पा रही थी, नहीं बना पा रही थी। सो अब देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। सो बेस के तौर पे हम कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप शैम्पू लेंगे जो आप डेली यूज करते हैं। मैं यहाँ पर केश किंग का एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले रही हूँ। आपके पास जो शैम्पू है, क्लिनिक प्लस हो, सनसिल्क हो, डव हो, एज यू विश, इट्स ऑल अप टू यू। आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं डेली में आप वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सैशे लिया है शैम्पू का, अगर आप डबल बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं पूरा एक सैशे डाल देती हूँ। उसके बाद जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट रहेगा, सो यहाँ पर मैं अपना दूसरा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, एलोवेरा जेल। सो यहाँ पर हम डालेंगे मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है मार्केट बेस्ड, तो आप इसमें इसकी जगह पर इसका सब्स्टिट्यूट है कि आप इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बालों के लिए, बालों की हाइड्रेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है एलोवेरा एंड विटामिन ई। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, विंटर्स में जो हवाएं चलती हैं ना वो इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती है हमारी स्कैल्प को, हमारे बालों से सारा मॉइस्चर निकाल कर फेंक देती है, जिससे हमारे बालों में डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे बाल एकदम झाड़ू जैसे हो जाते हैं, कोई जान नहीं लगती बालों में, कोई शाइन नहीं दिखती। उसमें शाइन ऐड करने का बहुत ही अच्छा काम करेगा। सो हमारा यहाँ पर तीसरा इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल डालने का मेन रीज़न ये है कि जो डैंड्रफ है ना वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है आलमंड ऑयल से। और जो ये शैम्पू का हम ब्लेंड रेडी करने वाले हैं ना, ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो आपके बालों को, आपकी स्कैल्प रूट टू टिप तक ऐसे मॉइस्चराइज, ऐसे हाइड्रेट कर देंगे आपके बालों को। आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि शैम्पू है कि क्या है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ही लिया है, कुछ ड्रॉप्स ले सकते हैं 1/2 टीस्पून। हमारे यहाँ पे तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट रहेगा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल्स की खासियत ये होती है, अगर हम किसी भी चीज़ में ऐड कर देते हैं जो हमारी रेमेडी है, उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है एसेंशियल ऑयल्स। आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट, रोजमेरी, कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं 3-4 ड्रॉप्स। बालों में लाइसिस की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये एसेंशियल ऑयल आप इसमें डालिए। इतना पावरफुल ब्लेंड हमारा अब ये रेडी हो चुका है ना, हमारा शैम्पू अनदर लेवल हो चुका है। हालांकि आजकल के बहुत ही एक्सपेंसिव शैम्पूज में भी काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, इसमें हम एक काम तो कर ही सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें नेचुरल ऐड कर सकते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए। शैम्पू बिल्कुल रेडी है, बस बालों को गीला करना है, 1 मिनट अच्छा से मसाज करना है, उसके बाद हेड वॉश कर लेना है, रिंस आउट कर लेना है नॉर्मल वाटर से। विंटर का सीजन है, शैम्पू वैसे भी कम ही करना चाहिए हमें, 2 से 3 बार शैम्पू इनफ होता है विंटर सीजन में, वरना ड्राइनेस आपकी स्कैल्प पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये शैम्पू ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसके फीडबैक्स मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय गाइज़।